types of detonators. Types of detonators. Mainly there are three types of detonator: non-electric detonator, electric detonator, and electronic detonator. Electronic detonator is a recent one. Okay. टाइप्स ऑफ डिटोनेटर में हम क्या देखेंगे, डिटोनेटर। डिटोनेटर कितने प्रकार के बताए, तीन प्रकार के। कौन कौन से हुए, एक हुआ नॉन इलेक्ट्रिक, दूसरा हुआ इलेक्ट्रिक, और तीसरा कौन सा हुआ भैया, इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, पहला कौन सा बताए, पहला कौन सा टाइप बताए, नॉन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर, नॉन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर। ठीक है, दूसरा क्या बताए, इलेक्ट्रिक डिटोनेटर। दूसरा क्या बताए, इलेक्ट्रिक डिटोनेटर, डीईटी वो लिख दो, समझ जाना डिटोनेटर लिखा है। इसको कोई कोई ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डिटोनेटर भी बोलता है, बात एक ही है। ठीक है, और थर्ड इज इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर। इसके बारे में हम कभी चर्चा करेंगे, कब इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, उससे क्या फायदा है वो करेंगे। ठीक है, बेसिकली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिटोनेटर्स, नॉन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर्स, इलेक्ट्रिक डिटोनेटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डिटोनेटर। हम दो चार दिन पहले एक ओपन कास्ट मैच में ब्लास्टिंग कैसे करते हैं, एकदम फील्ड से वीडियो भेजे थे, उसमें हम आपको नोनेल दिखाए थे, जिसको सॉफ्ट ट्यूब भी बोलते हैं। इस नॉन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर्स और आप मेनली टू टाइप्स, मेनली मुख्यतः दो तरीके के होते हैं। ये कितने तरीके का होता है, दो तरीके का होता है। एक होता है सॉफ्ट ट्यूब, जिसको नोनेल बोलते हैं। ठीक है, ये नॉन सॉफ्ट ट्यूब में जो डिटोनेटर होता है, दैट इज अ नॉन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर। सॉफ्ट ट्यूब को क्या बोलते हैं हम, नोनेल। नोनेल जब भी लिखे उसको पूरा कैपिटल में लिखेगा, नॉन एनओएन का मतलब नॉन और ई से इलेक्ट्रिक, नॉन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर। ठीक है, और दूसरा होता प्लेन डिटोनेटर, प्लेन डिटोनेटर। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, सॉफ्ट ट्यूब और नोनेल, एंड सेकंड वन इज प्लेन डिटोनेटर। डिटो लिखा मतलब डिटोनेटर समझिएगा। अब इलेक्ट्रिक डिटोनेटर अब किसमें आएंगे, इलेक्ट्रिक डिटोनेटर। इलेक्ट्रिक डिटोनेटर भी दो तरीके का होता है। इलेक्ट्रिक डिटोनेटर भी कितने तरीके का होता है भैया, लो टेंशन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर, हाई टेंशन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर। और कितने तरीके का बताया, लो टेंशन, लो टेंशन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर एंड हाई टेंशन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर। हाई टेंशन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर, इलेक्ट्रिक डिटोनेटर बोलिए या ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डिटोनेटर बोलिए, बात एक है। ये इलेक्ट्रिक डिटोनेटर भी दो तरीके का होता है, एक लो टेंशन और हाई टेंशन। हाई टेंशन डिटोनेटर नॉट यूज्ड इन माइनिंग, तो इसके बाद हमारा कहानी खत्म, इधर बढ़ेंगे हम। नॉट यूज्ड इन माइनिंग, ठीक है। लो टेंशन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर आर आल्सो टू टाइप्स, ये भी दो तरीके का होता है। एक होता है इंस्टेंटेनियस टाइप, इंस्टेंटेनियस टाइप, और दूसरा होता है डिले टाइप और डिले डिटोनेटर। लो टेंशन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर भी किस टाइप का होगा, एक इंस्टेंटेनियस टाइप होगा। इंस्टेंटेनियस टाइप मतलब नो डिले, इसमें डिले अरेंजमेंट नहीं रहेगा, एक साथ उड़ जाएगा फटाक से। और डिले डिटोनेटर में फायरिंग जो है कैसे होता है, एक जीरो का होगा, फिर वन का होगा, टू का होगा, थ्री का होगा, फोर का होगा, इस टाइप का डिले सिस्टम रहेगा।
डिले डिटोनेटर्स। ये डिले डिटोनेटर्स भी दो टाइप का होता है, सोच रहे होंगे और कुछ बता रहे क्या, नहीं अब खत्म हो गया है। ठीक है, अब पेपर में लिखेगा ना तो थोड़ा अब बका जाइएगा, इसीलिए इस टाइप का एग्जाम अभी इसी टाइप का लिखेगा। पेपर में लिखने का प्रयास कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा हम क्या क्या बताए। टाइप्स ऑफ डिटोनेटर में देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ डिटोनेटर, नॉन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर, इलेक्ट्रिक डिटोनेटर इट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डिटोनेटर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर। ओके, नॉन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर आर मेनली टू टाइप्स, सॉफ्ट ट्यूब एंड प्लेन डिटोनेटर। इलेक्ट्रिक डिटोनेटर्स आर प्राइमरी टू टाइप्स, लो टेंशन एंड हाई टेंशन। हाई टेंशन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर इज नॉट यूज्ड इन माइनिंग, इसका कहानी खत्म, उधर सोचेंगे नहीं, हम आएंगे लो टेंशन पर। लो टेंशन ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डिटोनेटर आर ऑल्सो टू टाइप्स, इंस्टेंटेनियस टाइप और नो डिले एंड डिले डिटोनेटर्स। डिले डिटोनेटर्स आर ऑल्सो टू टाइप्स, डिले डिटोनेटर्स आर ऑल्सो टू टाइप्स, शॉर्ट डिले डिटोनेटर एंड लॉन्ग डिले डिटोनेटर। ठीक है, हाफ सेकंड ये लॉन्ग डिले डिटोनेटर हो गया, एच ए एल एफ हाफ सेकंड, हाफ सेकंड डिले डिटोनेटर्स, हाफ सेकंड डिले डिटोनेटर, डिटो लिख रहा हूं आप पूरा डिटोनेटर लिखेगा, हाफ सेकंड डिले डिटोनेटर्स, इट इज ऑल्सो नोन एज लॉन्ग डिले डिटोनेटर्स, लॉन्ग डिले डिटोनेटर्स। ओके, और दूसरा क्या होगा, मिली सेकंड डिले डिटोनेटर, एम आई डबल एल आई मिली सेकंड, मिली सेकंड डिले डिटोनेटर, इट इज ऑल्सो नोन एज शॉर्ट डिले डिटोनेटर। कहीं बुक में शॉर्ट डिले डिटोनेटर लिखा समझ आएगा क्या बोल रहा हूं, मिली सेकंड डिले डिटोनेटर, शॉर्ट डिले डिटोनेटर, जो हम सॉलिड ब्लास्टिंग करते हैं अंडरग्राउंड में उसमें यही मिली सेकंड डिले डिटोनेटर या शॉर्ट डिले डिटोनेटर का ही इस्तेमाल करते हैं। ये हुआ टाइप्स ऑफ डिटोनेटर। अब आरडी सिंह साहब का बुक पढ़ते होंगे कुछ स्टूडेंट्स, समीर कुमार दास साहब का, डीजे देशमुख साहब का, डीजे देशमुख साहब का जो बुक है माइनिंग स्टूडेंट बहुत कॉमन है, तो वहां पढ़िएगा तो वहां क्या लिखा रहेगा, प्लेन डिटोनेटर, बुक्स को देखिएगा, प्लेन डिटोनेटर, उसका ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डिटोनेटर, डिले डिटोनेटर, ऐसा टाइप दिया है। माइनिंग बहुत वास्ट है, थोड़ा आपको रिसर्च भी करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो मत सोचिएगा कि यहाँ डिफरेंट टाइप्स बता दिया, डीजेसबुक्स साहब में अलग बताया था, वहां क्या क्या लिखा होगा, प्लेन डिटोनेटर, ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डिटोनेटर, उसमें लिखा होगा लो टेंशन हाई टेंशन, और सीधा लिख दिया होगा डिले डिटोनेटर, इसी टाइप का, जबकि हम वैसा बताए क्या, वैसा नहीं है। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर सॉफ्ट ट्यूब नो नेल, दिस इज यूज्ड इन ओपन कास्ट माइंस। ओके, प्लेन डिटोनेटर, इलेक्ट्रिक डिटोनेटर लो टेंशन हाई टेंशन, हाई टेंशन नॉट यूज्ड इन माइनिंग, एंड लो टेंशन आर ऑफ टू टाइप्स, इंस्टेंटेनियस टाइप नो डिले, इंस्टेंटेनियस मतलब एकदम तत्काल हो जाएगा, एंड डिले डिटोनेटर, डिले डिटोनेटर आर ऑल्सो टू टाइप्स, हाफ सेकंड डिले डिटोनेटर इट इज ऑल्सो नोन एज लॉन्ग डिले डिटोनेटर, मिली सेकंड डिले डिटोनेटर इट इज ऑल्सो नोन एज शॉर्ट डिले डिटोनेटर। यदि आपको कहीं पर भी टाइप्स ऑफ डिटोनेटर लिखना है तो इसी टाइप का बनाइएगा, दो चार बार पेपर में बना के देखिए ना, समझने की कोशिश कीजिएगा, तब आपको काम आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर जो है तीसरे टाइप का, उसके बारे में हम करेंगे। ये कंप्यूटर बेस्ड होता है, माइक्रोचिप होता है इसमें, इसका हम इस्तेमाल किए हैं बहुत बड़ा एक माइंस में हम थे, सीसीएल का नंबर वन माइंस आम्रपाली में जब हम थे, इसका इस्तेमाल किया है, लेकिन हम बताएंगे इसका कब इस्तेमाल करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, क्यों, क्योंकि इनिशिएशन के लिए हम नोनेल से ये सॉफ्ट ट्यूब से होल को ब्लास्ट करते हैं, होल में 50 रूपये खर्चा आता है, और इससे करते हैं तो 500 रूपये खर्चा आता है। ठीक है, इससे कितना खर्चा आता है, 500 रूपया, इससे कितना आएगा, 50 रूपया। एक बल्ब अलग कीमत, एक्सप्लोसिव का अलग कीमत, सब इनिशिएशन के लिए बता रहा हूं मैं, इसका 500 और उसका 50। तो जहां गांव बस्ती पास में है, जहां वाइब्रेशन ज्यादा हो रहा है, फ्लाई रॉक का डर है, तब हम वहां पे इसका इस्तेमाल करते हैं, ताकि ग्राउंड वाइब्रेशन को रोका जा सके, ग्राउंड वाइब्रेशन जो हो रहा है वो ना हो और फ्लाई रॉक ना हो। लेकिन कहीं पर नहीं है, आपका माइंड
से गांव बस्ती बहुत दूर है, आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा, विजिलेंस इंडेक्स से इंक्वायरी हो जाएगा, फंस जाइएगा। तो कब करना है इसका, ये सोच विचार करना बहुत अच्छा चीज है, बहुत अच्छा चीज है। बट कॉस्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर इन माइनिंग, ठीक है। ये वो दूसरा हम देखेंगे डिफरेंट, हम क्या क्या बताएंगे आपको, सॉफ्ट ट्यूब का हम अलग से क्लास लेंगे, प्लेन डिटोनेटर को बताएंगे, इसमें से आपका डिले डिटोनेटर हम बताएंगे और इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर बताएंगे। कितना चीज बोले, एक सॉफ्ट ट्यूब का एक वीडियो भेजेंगे, प्लेन डिटोनेटर का एक भेजेंगे, इंस्टेंटेनियस टाइप जो इलेक्ट्रिक डिटोनेटर उसका भेजेंगे, डिले डिटोनेटर का भेजेंगे और इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर का भेजेंगे। और डिले डिटोनेटर्स के एडवांटेज को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलेंगे।